हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिटर्न टू आवर स्टडी वंस अगेन। कल मैं आप लोगों को दो पोएम की सेंट्रल आइडिया लिख करके उसकी फ़ोटो भेजा था। चूँकि पिछले सत्र में 2019-20 वाले सत्र में कक्षा 12 के जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ नामक कविता की सेंट्रल आइडिया आई थी, इसलिए मैं उसको अब की बार नहीं लिखाऊंगा। और देखो, मैं द ट्रू ब्यूटी और ऑन हिज ब्लाइंडनेस इस दोनों की सेंट्रल आइडिया लिख करके आपके ग्रुप पर पोस्ट किया था, उसे आप लोग लिख लीजिए। और मौखिक रूप से याद करना होगा, क्योंकि आप जानते हो कि 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन आएगा पोएट्री में से और 6 नंबर की सेंट्रल आइडिया आएगी। तो ये जो 10 पोएम है, इस 10 में से 14 नंबर का प्रश्न आपका पूछा जाएगा। पहली कविता की सेंट्रल आइडिया मैं नहीं लिखा रहा हूँ, चूँकि अभी बताया कि पिछले सत्र में आ चुका है। और फिर इस सत्र में उसके आने की कम संभावना है, इसलिए उसे ना लिखा करके मैं द ट्रू ब्यूटी और ऑन हिज ब्लाइंडनेस इस दोनों को लिख करके आपके पास पोस्ट किया था। मौखिक रूप से याद करने के लिए अंग्रेजी में लिखी हुई बातों को अगर आपको याद करना है तो उसका हिंदी में अर्थ आना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों जो सेंट्रल आइडियाज़ हमने लिखाए हैं इनका अर्थ बताकर भेज रहा हूँ। फिर अब इसके बाद वाली वीडियो में आपको शॉर्ट स्टोरी जो बुक है उसमें से पहली कहानी आपको मैं पढ़ाऊँगा। फिलहाल अभी आज चलिए सेंट्रल आइडिया में देखिए क्या लिखे हैं। द ट्रू ब्यूटी मतलब सच्चा सौंदर्य, व्हाट इज़ रियल ब्यूटी, इसी को थॉमस कैरू जी पूरा डिटेल में बताए हैं। देखिए कहते हैं, द ट्रू ब्यूटी इज़ अ फेमस लिरिक ऑफ थॉमस कैरू। द ट्रू ब्यूटी मतलब ट्रू ब्यूटी कविता का नाम है, इज़ अ फेमस लिरिक एक प्रसिद्ध लिरिक है। लिरिक आपको मैं बताया था कि कविताओं की अलग अलग धाराएं हैं, ओड, सोनेट, लिरिक, बैलेड ये सब होते हैं। तो ये लिरिक है कि द ट्रू ब्यूटी इज़ अ फेमस लिरिक, द ट्रू ब्यूटी एक प्रसिद्ध लिरिक है ऑफ थॉमस कैरू की। द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरू की एक प्रसिद्ध लिरिक है। हेयर द पोएट गिव्स अ कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ब्यूटीज। हेयर द पोएट कब यहाँ पर गिव्स अ कंपैरिजन एक तुलना करते हैं, एक तुलना दर्शाते हैं बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ब्यूटीज। बिटवीन मतलब के बीच, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल शारीरिक और मानसिक सौंदर्यों, ब्यूटीज मतलब सौंदर्यों, मतलब इस कविता में यहाँ कवि शारीरिक और आत्मीय सौंदर्यों के बीच एक तुलना देते हैं, व्यक्त करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा पहले पद्य चरण में द पोएट सेज दैट, कवि यह कहते हैं कि, पहले पद्य चरण में कवि यह कहते हैं कि द रिलेशंस अटैच्ड थ्रू फिजिकल चार्म्स। क्या कहते हैं, द रिलेशंस माने रिश्ते, संबंध, अटैच्ड जुड़े हुए थ्रू फिजिकल चार्म्स शारीरिक सौंदर्यों के माध्यम से। पहले पद्य चरण में, पहले पद्य खंड में कवि कहते हैं कि शारीरिक सौंदर्यों के माध्यम से जुड़े हुए संबंध मे नॉट बी एवरलास्टिंग, मे नॉट बी नहीं हो सकते हैं, एवरलास्टिंग मतलब चिरस्थाई, हमेशा हमेशा चलने वाले। करें कि पहले पद्य चरण में कवि यह कहते हैं कि
शारीरिक सौंदर्यों के माध्यम से जुड़े हुए संबंध चिरस्थाई नहीं हो सकते हैं, बिकॉज क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शंस डीके शारीरिक सौंदर्य का पतन हो जाता है, डीके मतलब क्षय हो जाना, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ, समय के गलियारे के साथ साथ। पूरा एक वाक्य मिलाएंगे। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज दैट द रिलेशंस अटैच्ड थ्रू फिजिकल चार्म्स मे नॉट बी एवरलास्टिंग बिकॉज फिजिकल चार्म्स या फिजिकल अट्रैक्शंस डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहले पद्य खंड में कवि कहते हैं कि शारीरिक सौंदर्यों के माध्यम से जुड़े हुए संबंध हमेशा चलने वाले नहीं हो सकते हैं, चिरस्थाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शारीरिक सौंदर्य समय बीतने के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ शारीरिक सौंदर्यों का पतन हो जाता है। इन हिज व्यू द ब्यूटीज ऑफ चीक्स, इन हिज व्यू द ब्यूटीज मतलब सौंदर्य ऑफ चीक्स कपोलों का, उनके दृष्टिकोण से कपोलों का सौंदर्य, लिप्स होठों का सौंदर्य एंड आइस और आँखों का सौंदर्य, उनके दृष्टिकोण से कपोलों होठों और आँखों का सौंदर्य और टेम्पररी अस्थाई होता है, टेम्पररी मीन्स अस्थाई एंड वर्थलेस और बेकार होता है, निरर्थक होता है। उनके दृष्टिकोण से कपोलों होठों और आँखों का सौंदर्य अस्थाई तथा बेकार होता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, द लव प्रेम वेस्ड ऑन निर्भर करने वाला, किस पर निर्भर करने वाला, जेंटलनेस सज्जनता पर, दूसरी तरफ सज्जनता पर निर्भर करने वाला प्रेम, फर्म इंटेंशन और पक्के इरादों वाला एंड प्योर सोल और पवित्र आत्मा वाला, कहने दूसरी तरफ सज्जनता, पक्के इरादे और पवित्र आत्मा पर निर्भर प्रेम इज टेनेबल, टिकाऊ होता है, अस्थाई होता है, टेनेबल मतलब टिकाऊ। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि दूसरी तरफ सज्जनता, पक्का इरादा और पवित्र आत्मा पर आधारित प्रेम अस्थाई होता है, टिकाऊ होता है। दिस टाइप ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी, इस तरह का आत्मीय सौंदर्य क्रिएट्स उत्पन्न करता है, इस तरह का आत्मीय सौंदर्य उत्पन्न करता है नेवर एवॉल्सिंग लव, कभी नष्ट ना होने वाला प्रेम। नेवर एवॉल्सिंग, एवॉल्सिंग मीन्स खत्म होना, नष्ट होना, करें इस तरह का आध्यात्मिक प्रेम, इस तरह का आत्मीय प्रेम, आध्यात्मिक नहीं, इस तरह का आत्मीय प्रेम क्रिएट्स नेवर एवॉल्सिंग लव, इस तरह का मानसिक प्रेम, मानसिक सौंदर्य, इस तरह का मानसिक सौंदर्य, इस तरह का आत्मीय सौंदर्य कभी भी समाप्त ना होने वाले प्रेम को उत्पन्न करता है। इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस लिरिक, इस लिरिक के अंतिम वाक्य में द पोएट इंसिस्ट्स, कवि जोर देकर कहते हैं, इंसिस्ट मतलब जोर देकर कहना, दैट की करें इस लिरिक के अंतिम वाक्य में कवि जोर देकर कहते हैं कि फिजिकल चार्म्स आर वर्थलेस,
फिजिकल चार्म्स आर वर्थलेस, शारीरिक सौंदर्य बेकार होते हैं विदाउट मेंटल मेरिट्स, बिना मानसिक गुणों के। करें कि इस लिरिक के अंतिम वाक्य में कवि यह जोर देकर कहते हैं कि बिना मानसिक गुणों के शारीरिक सौंदर्य बेकार होते हैं। स्पिरिचुअल क्वालिटीज आर एसेंशियल फॉर अ परमानेंट लव। फिर कहते हैं स्पिरिचुअल क्वालिटीज आर एसेंशियल, आत्मीय गुण, स्पिरिचुअल क्वालिटीज मानसिक गुण, आत्मीय गुण आर एसेंशियल, अनिवार्य होते हैं फॉर ए परमानेंट लव, अस्थाई प्रेम के लिए। अस्थाई प्रेम के लिए मानसिक गुण अनिवार्य होते हैं। द पोएट डिसलाइक्स, कवि घृणा करते हैं फिजिकल चार्म्स, शारीरिक सौंदर्यों से, डिवाइड ऑफ वर्चूज, गुणों से हीन, डिवाइड मतलब विहीन या हीन। करें कवि गुणों से हीन शारीरिक सौंदर्यों से घृणा करते हैं। इस तरह से ये द ट्रू ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया हुई। इसके बाद देखो ऑन हिज ब्लाइंडनेस का हमने लिखा है, इसका भी अर्थ तुरंत जान लें आप लोग। करें ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर, मतलब अपने अंधेपन के बारे में, अपने अंधेपन पर जॉन मिल्टन जी ये कविता लिखे, इसलिए इसका शीर्षक भी यही है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन के बारे में, अपने अंधेपन पर। देखिए कह रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सॉनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सॉनेट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक व्यक्तिगत सॉनेट है ऑफ जॉन मिल्टन का। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का एक व्यक्तिगत सॉनेट है। द पोएम एक्सप्रेसेस, यह कविता दर्शाती है, द पोएम एक्सप्रेसेस कविता व्यक्त करती है हिज फर्म फेथ, उनका दृढ़ विश्वास इन गॉड, ईश्वर के प्रति। यह कविता ईश्वर के प्रति उनके दृढ़ विश्वास को व्यक्त करती है। बींग ब्लाइंड एट हिज अर्ली एज ऑफ 44 ईयर्स, बींग ब्लाइंड अंधे होने के कारण, बींग ब्लाइंड का मतलब अंधे होने के कारण, एट हिज अर्ली एज ऑफ 44 ईयर्स, अपनी 44 वर्ष की कम उम्र में ही, 44 वर्ष की अपनी कम उम्र में ही अंधे होने के कारण, द पोएट वॉज फुल ऑफ रिमार्स, कवि पश्चाताप से भरे हुए थे। रिमार्स मीन्स प्रायश्चित, पश्चाताप। 44 वर्ष की अपनी कम उम्र में ही अंधे होने के कारण कवि पश्चाताप से भरे हुए थे। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अनेबल, वह असमर्थ हो गए थे टू सर्व गॉड, ईश्वर की सेवा करने में, विद हिज टैलेंट ऑफ कंपोजिशन, अपने साहित्यिक रचना की योग्यता के साथ। कंपोजिशन माने साहित्यिक रचना, टैलेंट मीन्स योग्यता। कह रहे हैं कि अब 44 वर्ष की अपनी कम उम्र में ही अंधे होने के कारण कवि पश्चाताप से भरे हुए थे, क्योंकि वह अपने साहित्यिक रचना के गुणों से ईश्वर की सेवा करने में असमर्थ हो गए थे। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग रेब्यूक्ड, वह भयभीत थे बींग रेब्यूक्ड, डांटे जाने से, वह फटकारे जाने से भयभीत थे बाय गॉड, ईश्वर के द्वारा, आफ्टर हिज डेथ, अपनी मृत्यु के बाद, वह अपनी मृत्यु के बाद ईश्वर के द्वारा फटकारे जाने से भयभीत थे। रेब्यूक मीन्स फटकारना।
द पोएट वॉज ट्रबल्ड, कवि परेशान थे, एंड ही आस्क्ड हिमसेल्फ, और वह स्वयं से पूछते थे, इफ गॉड होप्स अ ब्लाइंड मैन टू वर्क हार्ड, एंड ही आस्क्ड हिमसेल्फ, और वह स्वयं से पूछते थे, इफ गॉड होप्स, क्या ईश्वर आशा करते हैं, अ ब्लाइंड मैन, किसी अंधे व्यक्ति से भी, टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने की। यहाँ देखिए ये होप्स जो है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में होप्ड बना लीजिएगा, होप्स नहीं रहेगा, इसको होप्ड बना लीजिएगा तब सही हो जाएगा, अभी ये थोड़ा सी गलती हो गई थी। आप कहिए द पोएट वॉज ट्रबल्ड दैट ट्रबल्ड एंड ही आस्क्ड हिमसेल्फ इफ गॉड होप्ड अ ब्लाइंड मैन टू वर्क हार्ड, कभी परेशान थे और वह स्वयं से पूछते थे कि क्या ईश्वर एक अंधे व्यक्ति से भी कठिन परिश्रम करने की आशा करते थे। नाउ ही रिमेम्बर्ड, अब वह याद किए, नाउ ही रिमेम्बर्ड, अब वह याद किए, क्या याद किए, ग्रेटनेस ऑफ गॉड, ईश्वर की महानता को, अब वह ईश्वर की महानता को याद किए, ही फील्स दैट, वह महसूस करते हैं कि गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है एनी रिटर्न, किसी भी वापसी की, अब वह ईश्वर की महानता को याद किए, वह महसूस करते हैं कि ईश्वर को किसी वापसी की आवश्यकता नहीं होती है फॉर हिज गिफ्ट्स, अपने उपहारों के, अपनी योग्यताओं के बदले, वह महसूस करते हैं कि ईश्वर को अपने उपहारों के बदले में किसी वापसी की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ हिज का एच कैपिटल लेटर में है, इसका मतलब ईश्वर से है, ईश्वर के उपहार। द ओनली सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की एकमात्र सेवा, इज मीन्स है, भगवान की एकमात्र सेवा है टू टॉलरेट ऑल द मिसफॉर्चून्स, टू टॉलरेट, बर्दाश्त कर लेना, सह लेना, ऑल द मिसफॉर्चून्स, सभी दुर्भाग्यों को, विदाउट एनी कंप्लेंट, बिना शिकायत के, करें सभी दुर्भाग्यों को बिना किसी शिकवा शिकायत के सहन कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, ही एकमात्र ईश्वर की सेवा है। गॉड इज द किंग ऑफ किंग्स, ईश्वर राजाओं का भी राजा है। थाउजेंड्स ऑफ निम्स आर इवर रेडी, हजारों देवदूत हमेशा तैयार रहते हैं। इन नॉट ओनली लैंड, ना केवल थल पर, एंड बट ऑल्सो ओशियन, बल्कि जल में भी, एंड स्काई, और नभ में भी। हजारों देवदूत ना केवल जल थल बल्कि नभ में भी हमेशा तैयार रहते हैं टू फॉलो हिम, उनके आदेशों का पालन करने के लिए, विदाउट एनी रेस्ट, बिना आराम किए हुए। कहें हजारों देवदूत बिना आराम किए हुए उनके आदेशों का पालन करने के लिए हमेशा हमेशा जल थल और नभ में बिल्कुल तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। इन दिस वे, इस तरह से द पोएट थिंक्स दैट, कब यह सोचते हैं कि, इस तरह से कब यह सोचते हैं कि गॉड इज नॉट ओनली ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर न केवल सर्वव्यापी है बट ओमनी पोटेंट ऑल्सो, बल्कि सर्वशक्तिमान भी है। इस तरह से कभी सोचते हैं कि ईश्वर न केवल सर्वव्यापी है बल्कि सर्वशक्तिमान भी है। द पीपुल हु आर अनेबल टू डू अ थिंग, वे लोग जो कुछ भी करने में असमर्थ हैं,
एंड वांट टू बी फेवरेट ऑफ गॉड और भगवान का कृपा पात्र होना चाहते हैं। वे लोग जो कुछ भी करने में असमर्थ हैं और भगवान का प्रिय होना चाहते हैं, भगवान के कृपा पात्र बनना चाहते हैं, शुड ओनली वेट, उन्हें केवल इंतज़ार करना चाहिए फॉर द रिजल्ट्स, परिणामों का, गिवन बाय हिम, ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले। कह रहे हैं कि वे लोग जो कोई भी चीज़ करने में असमर्थ है और ईश्वर के कृपा पात्र होना चाहते हैं, उन्हें ना केवल उन्हें केवल ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए, ईश्वर के द्वारा दिए गए परिणामों की प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। इस तरह से ये दोनों कविताओं की सेंट्रल आइडिया हो गई। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर नहीं समझ में आती है, वीडियो बार बार देखिए, फिर से देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए। इसमें किसी से कुछ कहना नहीं है। जब तक ना समझ में आए तब तक देखते रहिए। और अब अगली टॉपिक मैं आपको शॉर्ट स्टोरी पर ले चलूँगा, वो अगले वीडियो में। धन्यवाद।